ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 2nd जून ट्यूसडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है आज का। कल कुछ रीजंस की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले एक न्यूज़ है, मूडीज जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की जो रेटिंग्स है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये एक निगेटिव आउटलुक है जो मूडीज ने अभी भी बरकरार रखा है इंडिया के बारे में। और जो यूएस में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी वहाँ पर टेंशन है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कल भी यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली। नासडैक करीब 62 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजार देखें तो आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, हालांकि लगभग बाकी के सभी एशियाई बाजार इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी फिलहाल 132 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। यूएस और चाइना में हो सकता है कोल्ड वॉर शुरू हो जाए, ट्रेड वॉर तो फिर से शुरू होगा, इसके संकेत अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दे दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये ट्रेड टेंशन और भी अगर गहराते हैं तो यहाँ पर फिर से एक बार हमें कमजोरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन कल जो हमने एक जबरदस्त अपसाइड मूव देखा, जो लॉकडाउन 4 था उसके बाद क्या लॉकडाउन 5 शुरू होगा, ये सभी लोग जानने के लिए काफी बेकरार थे। लेकिन काफी सारी छूट दी गई है, हर एक शॉप्स और ये जो मॉल्स है वो जून 3, 3rd जून के बाद ये शुरू होने वाले हैं। तो अनलॉक, लॉकडाउन को अनलॉक करने का धीरे धीरे ये प्रयास शुरू हो चुका है। तो इससे मार्केट की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, तो इसका रिएक्शन हमें कल देखने को मिला। मंथली चार्ट से अगर हम निफ्टी एनालिसिस को शुरू करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अभी 100 EMA का जो हम सपोर्ट की लगातार बात कर रहे थे, जिसने 2008 में भी जबरदस्त सपोर्ट का काम किया था, अभी इसके ऊपर इसने 3 महीना कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है और इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अभी मंथली चार्ट को देखें तो 50 EMA और ये 100 EMA ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। लास्ट मंथ भी हमने देखा ये इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग चल रहा था, यानी ये जो कैंडल है अप्रैल का, इसके हाई और लो के बीच में ये जून, ये अप्रैल, उसके बाद ये मई और अभी इसके बाद ये जून। तो यहाँ पर ये अगर हाई, अप्रैल के हाई को अगर ब्रेक करता है इस महीने में और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है इस हाई के ऊपर, तो आरएसआई में राइजिंग बॉटम्स बन सकते हैं, यानी ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है जो कि प्राइस एक्शन के लिए बुलिश पैटर्न माना जाता है, राइजिंग बॉटम्स। तो अगर ये ऐसा क्रिएट होता है तो चांसेस होंगे आने वाले मंथ्स में यहाँ से फिर से एक बार निफ्टी जबरदस्त रिकवर होते हुए दिखाई दे सकता है। फिलहाल ये 50 EMA का रेजिस्टेंस होगा जो कि 10,150 के पास है। तो ये मंथली चार्ट का सिनारियो, वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट में यहाँ से ये जो रिकवरी आई थी उसके बाद फिर से एक करेक्शन आ रहा था, तो इसके सपोर्ट के लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर इस टूल को यूज किया था जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। अभी यहाँ से इन लेवल्स के पास 38.250% के लेवल के पास इसने एक सपोर्ट स्विंग लो बनाकर फिर से एक बाउंस बैक दिखाया। तो अभी इसने जो रिकवरी का हाई लगाया था उसी के पास ही ऑलमोस्ट आ चुका है, और यहाँ पर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये भी एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 10,000 के आसपास एक मेजर हर्डल होगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो अगर इस स्विंग हाई और लो को पकड़ ले तो इसको हम पकड़ के यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं कि उससे हमें आने वाले लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सके।
ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, ये हाई को पकड़ा और इस लो को पकड़ा, तो आप देख सकते हैं 50% का ये जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट ये जो पिंक लाइन है 20 EM 9995 के पास, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव होता है और यहाँ से ऐसे अगर फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा। और अगर नेक लाइन का ये ब्रेक डाउन दे देता है, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे सकता है। 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, इसके ऊपर इसको सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम फिर एक बार निफ्टी इंडेक्स में ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो ये हर्डल है इस समय 50% के पास, यानी 10,000 लेवल के पास। तो ये वीकली चार्ट का अभी तक का सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप कल का कैंडल देखें, तो ये गैप अप ओपन होने के बाद टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ। हालांकि जो इसने पूरा हाई लगाया था, इसी के पास ये क्लोज होने में फेल हुआ, और जितना भी इसने ये पूरा रेंज बनाया था, उसका हाफ पोर्शन में आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल आज अगर ऐसे बनता है और इसका लो अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गैप अप ओपन होने के बाद ये जो कैंडल यहाँ पर बना है, ये हमें जबरदस्त बुलिश सिनारियो का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा है। अगर लास्ट अगर फॉल देखे, तो यहाँ पर इसने जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया था, और ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये अभी भी फिल नहीं हुआ है। ये वाला गैप जो है, ये अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है, तो ये 50 EM एज पर डेली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट इसका इस लेवल के पास होगा, यानी 9467 के पास इसका फर्स्ट सपोर्ट होगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर जाते वक्त इसे ये जो 100 EM है ये डेली चार्ट में, जो कि अभी 10,038 के पास है, हमने वीकली चार्ट में देखा 20 EM है ऑलमोस्ट 10,000 के पास आ रहा था, डेली चार्ट में 100 EM है 10,000 के पास आ रहा है। तो 10,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और नीचे ये गैप जो क्रिएट हुआ था, इसका इनिशियल लेवल 9,735 ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। उसके बाद 9,467 ऑलमोस्ट 500 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये फिलहाल डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का सिनारियो है। ऊपर हर्डल्स है, 10,000 के पास इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। चलते 60 मिनट के पास क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको याद होगा, तो हमने 2 दिन पहले यहाँ पर ये डबल बॉटम यानी राइजिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन था, इसको आइडेंटिफाई किया था। ये यहाँ पर ऐसे एग्जैक्ट डबल टॉप फॉर्मेशन नहीं है, राइजिंग डबल डबल बॉटम फॉर्मेशन है, अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन भी इसे कहा जाता है। और इसने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद जबरदस्त ये अपसाइड मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चला गया है, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन। RSI आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में इस वक्त 76 के पास है, यानी ओवरबॉट जोन में ये ट्रेड कर रहा है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, अगर आप ये जो थोड़ा सा पास्ट में चले जाए, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था और इसका ये जो लेवल है, जहाँ पर इसने लोअर बैंड बनाया था, जहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके एक फिर आर्ली चार्ट में एक बाउंस बैक दिखाया था जबरदस्त। तो आज के लिए 9767 ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल हो सकता है। अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9722, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, वो अभी फिलहाल 9633 के आसपास है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। सेकंड टारगेट काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर ये फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करता है कम्फर्टेबली, तो ही ये सेकेंड लेवल हमारा टारगेट बन सकता है। और अगर ऊपर ये कल के हाई को अगर ब्रेक करता है, यानी ऑलमोस्ट R1 का लेवल भी उसी के पास आ रहा है पिवट पॉइंट का, तो 9936 को अगर ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम
यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हो। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 9996, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि 10046 के पास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।